भ्रष्टाचार का नायाब नमूना, पानी में बह रही जनता की कमाई, करोड़ों के पुल ने ली समाधि, उद्घाटन से पहले बह गया पुल, परेशानी में ये लोग और आज ये परेशान है। तो सरकार से अपील है कि वो अपना विभाग भेजे। पुल गिर गया है तो कौन जवाब देगा इसका? पैसे तो हम लोगों का लगता है नहीं है, टैक्स मैं देता हूँ इनका, टैक्स मैं देता हूँ ना, तो मुझे जवाब चाहिए सरकार से। कैसे बनाया गया इसको? मटेरियल कम लगाया गया इसमें? क्या दिमाग इंजीनियर का, कैसे दिमाग काम कर किया इसको, पुल को पास से कैसे किया? चुनाव नजदीक आते ही बिहार में योजनाओं की बरसात हो रही है। ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि बिहार के लोगों को यातायात की अच्छी सुविधा मिल सके। लेकिन इसके उलट किशनगंज जिले में भ्रष्टाचार का नायाब नमूना देखने को मिला। यहाँ ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया गया करोड़ों का पुल उद्घाटन से पहले ही नदी में बह गया। दिघल बैंक प्रखंड के पत्थरघट्टी पंचायत में लगभग 1,42,00,000 की लागत से गोवा बाड़ी पुल बनाया गया था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही ये पुल नदी में समा गया और करोड़ों रुपए भी अपने साथ ले डूबा। लोगों का कहना है नदी में उफान को लेकर यहां स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। पुल पास हुआ, हड़ताल उड़ताल यानी बहुत कुछ करने के बाद ये पुल पास हुआ। उसके बाद बना भी, बनने के बाद ठेकेदार को भी नहीं मालूम था, इंजीनियर को नहीं मालूम था कि वहाँ नदी का कनेक्शन हो रहा है। इससे ये धार से कहीं की नदी पहले दूर था 0.5 किलोमीटर, उसके बाद इस साल बानून आया, बारिश हुआ खूब, उसके बाद धीरे धीरे करीब हो गया और वो एटेज हो गया। एटेज होने के बाद ये पूरा काम नहीं कर पाया और गिर गया है और 10 साल से परेशानी में ये लोग और आज भी परेशान है। तो सरकार से अपील है कि वो अपना विभाग भेजे। पुल जो गिर गया है, पुल गिर गया है तो पुल के पुल कहाँ बनता है, नदी में ना या सूखा सी जगह पर? नदी में तो बनता है, जहाँ जैसा लग रहा चाहिए वैसा नहीं लगा है ना। वहाँ 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ पाया वाला पुल, इंजीनियर को चाहिए कि यहाँ पाया का पुल पास करना चाहिए, मगर यहाँ ये प्लेट वाला पुल दे दिया है और जमीन यहाँ दलदली टाइप का है, यहाँ तो टिकेगा नहीं ना। अरे ये जो इसका जो मुख्य कटाव था, जैसे कि मतलब यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर रोड एक कटिंग है जो कंकई नदी के धारा को मतलब बढ़ावा देती है। इस कटिंग को बांधा नहीं गया, जिसके कारण ये मतलब बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। और हमारे पत्थरघट्टी पंचायत में अभी 5 पुल का निर्माण हुआ है इस तरह से, और हम जिला प्रशासन से यही मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन सारे पुलों का अपने से जायजा लें, उनका जांच करें। यहाँ पर 1.25 करोड़ की लागत से ये पुल बनी है और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से 1.25 करोड़ रुपये जनता का जो अभी पानी में बह रहा है। ये बात छुपी हुई नहीं है, ये बात दिख रही है, ये दिखाने की चीज़ है, बताने की चीज़ नहीं है। मटेरियल का कितना बढ़िया इस्तेमाल किया होगा? जी मटेरियल का तो वो तो इंजीनियर साहब ही बता सकते हैं, वो हम लोग को दिख रहा है कि कितना बढ़िया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। अभी स्लोप भी नहीं बना था यहाँ का और उद्घाटन से पहले ही ये पुल इस तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहीं पुल टूटने की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता मामले की जांच की बात कह रहे हैं। वजह यही है कि मतलब अचानक जो बाढ़ जो आ गया है, पानी बहुत जो छोड़ दिया है, और उस साइड में जो अभी मैं वो साइड पे जा रहा हूँ, तो साइड पे जाने के बाद ही कुछ बोल पाऊंगा वहाँ। तो सर जांच में आए आप? हाँ हाँ अभी जांच में आए हैं, तो अभी जरा जाके देखेंगे तभी आपको हम बता पाएंगे क्या करेंगे। और सर लोगों का कहना है जो इसमें मटेरियल जो है घटिया इस्तेमाल हुआ है, जिस वजह से आज पुल नहीं, मटेरियल का तो अभी जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक क्या हम बता पाएंगे। जब तक वहाँ पे अभी साइट पे तो पहुँचे नहीं है, अभी साइट पे अभी जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर घटिया इस्तेमाल हाँ तब तो फिर कार्रवाई होगी, तब तो एकदम 100% कार्रवाई, घटिया मटेरियल पे तो कार्रवाई होना ही होना। दस्तावेजों के अनुसार ये पुल 1,42,18,021 रुपए में बनकर तैयार हुआ था। पुल निर्माण का काम 25 जून 2019 को पूरा हुआ था, पुल बनकर तैयार भी हो गया था और गांव के लोग करीब 1 महीने से अप्रोच पथ पर चचरी लगाकर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि इसका उद्घाटन होता, 16 सितंबर को पुल ने जल समाधि ले ली। किशनगंज से अमित कुमार की रिपोर्ट।